बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आई होप कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज हमारे चैनल फन चिकन पे बन रहा है बहुत ही मज़ेदार मैंगो डिज़र्ट, जिसे बनाना बेहतर आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार। हम ये डिज़र्ट ग्लास में बनाएंगे और ये ऐसा डिज़र्ट है कि बच्चे भी आसानी से इसे बना सकते हैं, क्योंकि मैंगो का सीज़न है और पाकिस्तान में बड़े मज़े मज़े के आम आते हैं। तो मैंने सोचा आम की कोई आसान सी रेसिपी आप लोगों को दी जाए। मैं ये डिज़र्ट मैंगो प्यूरी से बनाऊँगा। आप लोग फ्रेश आम लेके उसे ग्राइंडर में ब्लेंड कर लें। तो चलें इस आसान सी मज़ेदार सी ठंडी ठंडी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंगो डिज़र्ट बनाने के लिए ये मैंने 6 बिस्किट ले लिए थे इस तरह के, आपको जो भी पसंद हो वो ले लीजिएगा और उसके क्रम्स बना लिए। मैंगो प्यूरी चाहिए होगी सिंपल, पाकिस्तान में आजकल बहुत आम आए हुए हैं, तो आम लीजिए और उसको उसकी प्यूरी बना लीजिए। कस्टर्ड वनीला सबको बनाना आता है और फ्रेश क्रीम है, तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बिस्किट का चूरा ग्लास की बेस में लगा देंगे। बस मैंने सिंपल बिस्किट को चूरा कर लिया है और इसमें कोई बटर शामिल नहीं किया। मैंगो प्यूरी अब हम फ्रेश क्रीम की लेयर लगाएंगे, और अगर फ्रेश क्रीम ना हो तो भलाई भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से भलाई को ठंडा कर लें फिर यूज़ करें, और अगर भलाई भी ना हो तो वनीला आइसक्रीम, जो भी फ्लेवर आपको आइसक्रीम का पसंद हो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे। लेयर आप अपनी पसंद के मुताबिक लगा सकते हैं, बस बेस में आप बिस्किट का चूरा रखें, उसके बाद अपनी पसंद की कोई भी लेयर लगा सकते हैं। हर तरह से ये डेजर्ट बहुत ही मज़ेदार लगता है। थोड़ी सी प्यूरी हम और डालेंगे मैंगो की, और ये मेरे पास स्प्रे वाली व्हिपिंग क्रीम है, ये ऑप्शनल है, अगर चाहें तो डाल दें वरना फिर बस ये जो बिस्किट का हमारे पास ये जो चूरा है बस इसी को थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दें, तो ये बस तैयार हो गया। अगर बहुत ज़्यादा शौकीन है डेकोरेट करने का तो फिर हल्का सा ये इस तरह से कर दें। थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे इस तरह, और ये बिस्किट है तो बस इसको बीच में से ऐसे तोड़ के बस। चॉकलेट बीन्स है तो बच्चों के लिए बनाइए, तो थोड़ी थोड़ी ये हम इसमें स्प्रिंकल कर देंगे। ये देखें कितनी जल्दी हमारा मैंगो डिज़र्ट तैयार हो गया, और बहुत आसान है, मज़ेदार है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। ये तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इसे ट्राई करने के लिए, तो चलें बच्चों को ट्राई करवाते हैं। So good. This looks so yummy. I can't wait to try this. So now I'm going to try this. This is so yummy. It is super yummy. तो जब भी आप खाएं तो ये पूरा स्पून नीचे तक लेके जाएं, और फिर नीचे से इसके बिस्किट साथ और बिस्किट कस्टर्ड क्रीम जो भी है वो सब निकाल कर इसका बाइट लें। आई होप कि आप लोगों को मैंगो डिज़र्ट की रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, तो ज़रूर ट्राई करें, इंजॉय करें। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।